मतलब इसमें हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड हो जाता है। तो मैंने भी सोचा, मैंने कहा यार मैंने घर जाके भी फ़ोन ही इस्तेमाल करना है या मैंने ये लैपटॉप ही यूज़ करना है, तो बेहतर है कि ये 10 दिन की क्लास ही ले लूँ। तो मेरा जो मेन रेन बना वो इससे बना कि जो इन्होंने 10 दिन का रखा ना कि यार ये बड़ा अट्रैक्टिव है कि मैं 10 दिन में आपने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें नॉलेज हासिल कर लेनी। इस चीज़ से मेरा काफ़ी ज़्यादा जहन बन गया कि यार 10 दिन है तो 10 दिन दे देते हैं। और अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि अल्लाह ताला ने तौफीक दी कि इस क्लास में आने की, और मैं इसमें काफ़ी रूटीन से अलहमदिल्ला अल्लाह का शुक्र है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हारून अहमद है। ऐसे सीरत नबी के कोर्स होने चाहिए। ये जो हम लोगों को बुराई से रोकते हैं वो रुकते नहीं, जब हमारे दिल में अल्लाह के नबी का इश्क आ जाएगा तो बुरा काम हम खुद करेंगे ही नहीं। जितना ज़्यादा हमारे अंदर अल्लाह के नबी का इश्क आ जाएगा तो बुराई हमसे खुद छूट जाएगी। जो हम किसी को 100 दफ़ा 1000 दफ़ा भी कहें तो वो नहीं छोड़ने को तैयार। जब अल्लाह का इश्क अल्लाह के नबी का इश्क आएगा तो वो खुद ब खुद बुराई हम करेंगे ही नहीं, होगी नहीं हमसे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम मोहम्मद शुएब रऊफ है। मैं बेसिकली एक टेक्सटाइल इंजीनियर हूँ और मेरा 18 से 20 साल टेक्सटाइल इंडस्ट्री में गुजरे हैं। मुझे ये इस वक्त इस बात का शर्फ हासिल है कि मैं मुफ्ती साहब के पास इस वक्त इनके इस कोर्स में इनका स्टूडेंट हूँ। मेरा बेटा जो है वो माशाल्लाह इनके पास 10वें स्टूडेंट है, वो ग्राम बैंक ही फंस कर रहा है। और मेरे वालिद साहब माशाल्लाह 84 ईयर्स एज में, वो भी ये कोर्स सीखने के लिए और ये महफिल अटेंड करने के लिए यहाँ आते हैं। वो भी यहाँ बैठे थे थोड़ी देर के लिए, गए भी आ जाएंगे। तो बात कहने की है कि जो यहाँ आके हमें जो कुछ मुझे मिला है, तो हम लोग यहाँ क्यों आते हैं कि जो सीरत की चीज़ें इन्होंने हमें बताई हैं ये मुख्तलिफ किताबों से, सीरत नबवी से, मुख्तलिफ अदवार से, मुख्तलिफ उलमा से, ये काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने पहले पढ़ी हैं, सुनी हैं, अपनी ज़िंदगियों में ये चीज़ें लेके आए हैं। लेकिन फिर यहाँ आना, अगर आप कहें कि एक स्टूडेंट आता है 20 साल का 22 साल का, तो ठीक है उसके पास इल्म नहीं है, वो आता है वो सीखता है। लेकिन वो लोग जो इन चीज़ों से गुजर चुके हैं, जो पढ़ चुके हैं, वो भी आते हैं तो उनकी कोई वजह है। जिस तरह आप कुरान पाक एक दफ़ा पढ़ते हैं तो आपके उसके कुछ पहलुओं की आपको समझ आती है, आप दूसरी दफ़ा पढ़ते हैं तो फिर उन पहलुओं की समझ आती है। तो आप जितनी दफ़ा कुरान को पढ़ते हैं उतनी दफ़ा आपको अल्लाह ताला नए से नए इल्म और नए से नए वो जो है वो आपको अनवार मिलते रहते हैं। इसी तरह सीरत तैयबा है, आप उसको एक दफ़ा पढ़ते हैं तो आपको कुछ चीज़ों की समझ आती है, आप दूसरी दफ़ा पढ़ते हैं, तीसरी दफ़ा पढ़ते हैं, सीखते हैं, और जब आप अपनी ज़िंदगी को इन चीज़ों से वाबस्ता कर लेते हैं तो आप ये अंदाज़ा करते हैं कि आप जितनी दफ़ा इन चीज़ों में से गुजरते हैं आप उतनी दफ़ा इन चीज़ों के करीब होते हैं और आपकी ज़िंदगी में कुरान पाक का इलम और हज़ूर पाक की सीरत आती है। अब इस दफ़ा जब मैं ये सीरत कोर्स पढ़ रहा हूँ तो जो कुतुब हमने पहले पढ़ी है, जिन्होंने वहाँ से सुनी है, माशाल्लाह मुफ्ती साहब से जब हमने सुना है, तो इन्होंने इनके एक ख़ास तरीका और तरतीब है जो खूसी तौर पे वाला साहब को मुझे बड़ी पसंद आई है कि इन्होंने सीरत को उस अंदाज से नहीं पढ़ाया जिस अंदाज से हमें आम किताबों में मिलता है और ये इस तरह हुआ था। इन्होंने जिस तरतीब और जिस तरीके से कुरान पाक की आयात और वो नाजुल हो रही हैं और जो जो वाक़या आ रहा है और जो वहाँ के हालात बन रहे हैं वो पहले समझाए हैं, पूरा महल वकूफ बताया है और उसकी क्या ज़रूरत थी उस वक़्त और वहाँ के क्या हालात थे, कुफार क्या सोच रहे थे, इस्लाम में क्या हो रहा था, हुज़ूर पाक क्या बताना चाह रहे थे, मुसलमानों की क्या कैफियत थी, उसके हिसाब से क्या रिएक्शंस हो रहे थे, क्या मसाइल थे, कैसे कुरान उतरा, कैसे हुज़ूर पाक ने वहाँ से सीखा और कैसे इन सारी चीज़ों का मुकाबला किया। तो जब हम इस तरीके से ये सारी चीज़ें सुनते हैं, समझते हैं और सीखते हैं तो हमें पता चलता है कि वाकई उस वक्त का जो इंसान था, चाहे वो मुशरिक था, चाहे वो किसी भी दीन से था, जब वो कुरान पाक की एक आयत सुनता था या हुज़ूर पाक का एक दफ़ा दीदार करता था तो वह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह कहने के लिए तैयार हो जाता था। और आज हम मुसलमान, हमारे पास पूरे का पूरा कुरान मौजूद है, पूरी सीरत मौजूद है और हम लोग फिर भी अजान की आवाज़ सुन के नमाज के लिए ना जाएँ और हम लोग पूरी ज़िंदगी हमें बताने के लिए तैयार हों और हमारे हम वक्त ना निकाल सकें, इन टेक्नोलॉजी से हम निकल ना सकें, अपने मसाइल से निकल ना सकें और यहाँ ना आ सकें, तो ये इनका ये तरीक़ाकार अगर बंदा गौर सुने तो पता चलता है कि उन लोगों में क्या खूबी थी और हम लोगों में क्या खामी है।
कि वो कुरान की एक आयत सुनते थे हज़ूर पाक के साथ, उनका एक साहब का इलाका होता था तो वो शहादत दे जाते थे। और हम लोगों के पास सारी सारी ज़िंदगी मौजूद है, हमारे पास सारा कुरान मौजूद, हर चीज़ मौजूद है, हम लोग उसको उस सूरत में ना सीखते हैं ना देखते हैं, तो हम लोग कैसे अपनी ज़िंदगी में वो चीज़ लाएँगे। तो इस तरह की महाफल का ये फ़ायदा है हमें कि हमें कुछ देर के लिए उस वहाँ पहुँच जाते हैं कि हमें लगता है कि हाँ हम हज़ूर पाक की उस महफल में मौजूद हैं, हमें लगता है कि हाँ ये वाक़या हो रहा है और कुरान आ रहा है और वो लोग सीख रहे हैं और हज़ूर पाक बता रहे हैं। तो ये कैफियत जब तक हमारे ऊपर नहीं आएगी, इस ये हमारे दिलों के अंदर कैसे उतरेगा, हमारे दिलों के वो जो मट्टी पड़ चुकी है, वो जो गुनाहों की, वो कैसे उतरेगी, ये कैसे हमारे अंदर जाएगा, वो उतर जाएगी, ये हमारे अंदर चला जाएगा तो हम भी पाक हो जाएंगे जैसे वो लोग। लेकिन उसके लिए वक्त लगता है, उसके लिए मेहनत लगती है, उसके लिए मशक्क़त लगती है। तो ऐसी महफलों में आना चाहिए। और मुफ्ती साहबान का बहुत शुक्रिया है कि इन्होंने अपना वक्त निकाला और इस तरह के कोर्सेज़ अरेंज किए हैं। तो मेरी इनसे रिक्वेस्ट है कि रबी अव्वल में भी इन्होंने ये किया है, बड़ी अच्छी कावश है, इनको करते रहना चाहिए। और हम सब लोगों को चाहिए कि खुद भी आएँ और दोस्तों को भी लाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दाऊद अहमद है जी। मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि मैं मुफ्ती साहब का शागिर्द हूँ। पिछले साल भी ये सीरत कोर्स हुआ था, तर्जमा कुरान तर्जमा क्लास भी हुई है। वो माशाल्लाह जिस स्टाइल में, जिस तरीके में इन्होंने हमें वो तर्जमा क्लास में भी हमने अटेंड किया, वो जिस तरीके से इन्होंने पढ़ाया, मैं समझता हूँ कि मैंने कई दफ़ा पढ़ा है, कई जगह पर गया हूँ, लेकिन ऐसे अल्लाह नहीं, अल्लाह ताला इनके इलम में जान में बरकत डाले। और ये अलमीन अकेडमी जो है, इसका भी खसूसी इंतज़ामिया की तरफ से शुक्रगुजार है कि इन्होंने मुख्तलिफ ये कोर्सेज रखे हुए हैं। ये अब सीरत कोर्स चल रहा है, माशाल्लाह अल्लाह ताला इसमें बरकत डाले और भी लोग आए। और जो फ़ायदा दिन ब दिन हो रहा है वो मैं यहाँ पर बयान नहीं कर सकता। ये सिर्फ जो रोज़ हमें एक मिलती है, एक दिन शुक्र की सिर्फ थी। मैं थोड़ा सा ये वाकया रिलेटेड शायद ना हो कि मेरी गाड़ी का टर्मिनल ख़राब था, मतलब रात का टाइम था, फैमिली बैठी हुई थी, तो मैंने स्टार्ट किया तो वो स्टार्ट नहीं हुई, प्रॉब्लम आई। लेकिन मेरे जहन में वो सिर्फ थी उस दिन की शुक्र, मैंने शुक्र अदा कर दिया। घर वाले बच्चे वो बड़े हैरान हुए कि गाड़ी बंद है, ये शुक्र कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह ने ऐसा किया कि गाड़ी खुद को स्टार्ट हो गई। तो ये मैं समझता हूँ कि हमारे लिए बहुत बड़ा एजाज है मुफ्ती साहब, हमारे स्मार्ट मुफ्ती साहब मैं इनको कहता हूँ। अल्लाह ताला इनको अजर दे दे, शुक्रिया। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। ये सीरत कोर्स जो माशाल्लाह शुरू किया है, ये अच्छा डिसीजन है मुफ्ती साहब का, और इस तरह के सीरत कोर्स होने चाहिए। इससे आवाम को फ़ायदा होगा और जितने लोग आएंगे इसको सुनेंगे उनको बड़ा फ़ायदा होगा इस चीज़ का। और इसको हम और लोगों को भी लाएंगे ताकि इस चीज़ को ज़्यादा ज़्यादा करेंगे ना, इस चीज़ को लेंगे और हमें बड़ा फ़ायदा होगा। और इसको रेगुलर करना चाहिए इस चीज़ को, ताकि लोगों को पता चले आपस में ज़िंदगी मुबारक का, ये जो फितने फसाद था नहीं, ख़त्म होंगे जब चीज़ को सिर्फ सुनेंगे सीखेंगे, हमें पता चलेगा चीज़ का कि सीरत आपस में ज़िंदगी मुबारक क्या है, वह सीरत को सीखना चाहिए, सीरत क्या होती है, कैसे है, इसको हम पढ़ेंगे सुनेंगे हमें फ़ायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुशरफ जावेद है, देहात का रहने वाला हूँ, अनपढ़ सा आदमी। अल्लाह ताला ने जितनी भी मखलूक पैदा की है उसकी जबिलत शायद मुकम्मल होती है। एक इंसान ऐसी मखलूक है कि इसको सीखना पड़ता है और इसको सिखाना पड़ता है। एक ख़ास उम्र ही अपने वालदैन के साथ रहती है, और इसके साथ साथ ये है कि जितने कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ मदारस, ये सारे इंसान के लिए हैं और किसी मखलूक के लिए नहीं है। इससे ये साबित होता है कि इंसान के अंदर ये कमज़ोरी है और इसको पूरा करने के लिए इसे असातिज़ा की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसी महाफल, और उसके साथ अभी कारी साहब ने ये बताया कि जिस तरह का माहौल होता है
اس طرح کا بندے پہ اثر ہوتا ہے اور اسی طرح کی اس کی طبیعت بنتی ہے۔ جب ہم سارا دن ٹی وی پہ دیکھتے ہیں جو کچھ وہی ہمارے ذہنوں میں راسخ ہو جاتا ہے، اور ایسے ہی ہمارے بچے جو ہیں ان کے ذہنوں میں یہ باتیں آتی ہیں، تو ہمارے اوپر بحیثیت والدین، بحیثیت بڑے بھائی ہونے کے یہ فرض بنتا ہے کہ اپنے بچوں کو اس طرح کا ماحول دیں جس میں اسلامی کلچر ہو اور جس سے یہ چیزیں ہماری اگلی نسلوں میں آ سکیں اور وہ بھی اس کے اوپر عمل پیرا ہو سکیں۔